हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्केलिंग। इससे पहले भी भैया एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जिसका नाम था ट्रांसलेशन, उसको बढ़िया तरीके से आसान करके समझाया था न्यूमेरिकल के साथ, वही ठीक अपन स्केलिंग के साथ भी करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये मामला है क्या। जैसा स्केलिंग नाम है वैसा ही भैया इसका काम है, मतलब चीज़ों को छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करना। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉलीगॉन है जो कि तीन लाइन सेगमेंट से जुड़ के बनता है और अपने को छोटा लग रहा है, काफी छोटा लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू समथिंग बड़ा। सही बात है, तो छोटा का हो गया बड़ा, इसे आप स्केल अप करना कह सकते हो, इसको जूम इन करना कह सकते हो, छोटे से बड़ा करना कह सकते हो, इसे कन्वर्जन कह सकते हो फ्रॉम छोटा टू बड़ा। तो ये भैया स्केलिंग अपन ने किया, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ स्केलिंग। और दूसरा क्या हो सकता है कि यार बहुत बड़ा हो गया, ओके ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे को क्या करना है इसको नॉर्मल में लाना है, मतलब छोटा करना है। सही बात है, तो वो भी किया जा सकता है बड़े से छोटा, ये सब कुछ जो है किया जा सकता है अगर आपको स्केलिंग पता हो तो। अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे यार देखो, ये अपन 2D की बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल स्केलिंग की यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, तो वो टू डायमेंशन भी यहाँ पे अपन लगा ही लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। ये दो डायमेंशनल प्लेन में अपना ये छोटा वाला है और उसको फिर अपन ने कन्वर्ट किया इनटू बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, ये जो रिस्पेक्टिव इसके पॉइंट्स हैं पॉलीगॉन के, इनके कुछ ओल्ड कह लो ओरिजिनल पोजीशन होगी, कुछ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, दीज आर नथिंग बट माई ओल्ड या फिर ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, बराबर है। अब अपन जब इसको बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टू डायमेंशनल प्लेन में कुछ अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, ओके। तो उसे अपन बोलेंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स, सही बात है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना होता है, चाहे यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, तब अपन बोलेंगे यार ये ओल्ड थे ये ओरिजिनल थे, और अपने को इसमें कन्वर्ट करना है, यानी स्केलिंग परफॉर्म करने के बाद अपने को कौन कौन से वो न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं ये फाइंड आउट करना है, इसमें अपन इंटरेस्टेड होते हैं। और अगर मैं उल्टी तरफ जाऊं, मतलब बड़े से छोटा करने जाऊं, तब ये आपके ओल्ड या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होंगे आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स। अब ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें आपकी मदद कौन करेगा, इसमें आपकी मदद के लिए आ जाता है SX और SY, इसे अपन बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर्स। इसे अपन क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर, कि एक्स डायरेक्शन में कितना स्केल करना है, वाई डायरेक्शन में कितना स्केल करना है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि अगर आपका SX और SY जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, रिमेंबर दिस थिंग, SX और SY जो है अगर उसकी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हो, छोटे से बड़ा ऑप्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, जूम इन करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। लेकिन अगर इसका उल्टा केस है, मतलब अगर ये लेस देन 1 है, SX और SY की जो वैल्यूज है अगर वो लेस देन 1 है, तो आप क्या कर रहे हो, ये वाला प्रोसीजर कर रहे हो, बड़े से छोटा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मतलब यहाँ पे अपन उसको बड़ा दिखा रहे हैं, और अगर लेस देन 1 रहा SX और SY तो अपन इसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज जो आपको समझनी है कि अगर वो इक्वल टू 1 रहा तो, मतलब ना ग्रेटर है ना इक्वल है, ओके, मतलब ना ग्रेटर है ना स्मॉलर है, अगर वो इक्वल टू 1 रहा तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई चेंज नहीं होने वाला, यही जो आपका ओल्ड था यही आपका न्यू भी रहेगा, नो चेंजेस, बिकॉज यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसा का तैसा वो रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज़ें मैं बोल रहा था ना, ओल्ड और जो एक तरीके से न्यू, उसका मामला मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मेरे कोऑर्डिनेट्स है A, B और C फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलीगॉन, तो अभी अगर मेरा समझ लो SX SY जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक स्केल्ड अप वर्जन, जूम इन वर्जन मिलेगा मुझे इसी पॉलीगॉन का, तो मैं इसे बोलूंगा A' B' और C'। अब ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में अपना मोटिव ये होता है कि अपने को ये A' B' C' फाइंड करना है, लेकिन कैसे करें, हाउ टू फाइंड इट, ओके। ट्रांसलेशन में अपन क्या कर रहे थे, ट्रांसलेशन में अगर अपने को A' फाइंड करना था तो अपन A+T लगा रहे थे, सही बात है, यही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे अपने को एडिशन नहीं करना है, यहाँ पे अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है विद द स्केलिंग फैक्टर। तो यहाँ पे टी का एस हो गया और एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर A' सिमिलरली B' एंड सिमिलरली C'। इसके ऊपर एक डिटेल में जो न्यूमेरिकल है वो अगले वीडियो में अपन देखने ही वाले हैं, लेकिन पहले इस फंडे को समझ लेते हैं कि आखिर ये मल्टीप्लिकेशन होने कैसे वाला है, वो सारी बातें अपन जो है यहाँ पे जान लेते हैं। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू, कि भैया ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मतलब अपने को A' चाहिए, मतलब क्या चाहिए, वी वॉन्ट XY, उसके कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए ना अपने को,
ए डैश के, पहले ए यहाँ था, अब वो कुछ इस तरीके से जो न्यू वाला होगा वो ए डैश अपने को यहाँ दिखेगा, न्यू वर्जन, ठीक है। तो वो अपने को चाहिए, तो उसके लिए अपने को इन दोनों का भाई साहब मल्टीप्लीकेशन करना तो पड़ेगा। अब इन दोनों को जैसे अपन ने जब अपन ट्रांसलेशन कर रहे थे अपने को मैट्रिक्स की मदद लेनी पड़ी थी, सेम यहाँ पे भी मैट्रिक्स की जो है अपन मदद लेने वाले हैं। उसमें आपका जो ए है उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई कुछ इस तरीके से, और जो एस होता है ना, जो एस होता है उसे अपन कैसे दिखाएंगे, हाउ वी विल शो दैट एस, कुछ इस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स आपको एस का मिल जाएगा, एस एक्स 0 0 एस वाई। अब आपको सबसे बड़ा दिमाग में सवाल होगा कि ऐसे ही क्यों लिखा, वाई यू आर राइटिंग इट इन दिस वे। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक्स डैश जब अपने को फाइंड करना होता है स्केलिंग में, सो वॉट वी डू एक्स इंटू एस एक्स, और जब y डैश अपने को फाइंड करना होता है तो y इंटू एस वाई। मतलब क्या कि आपका जो ओरिजिनल x की वैल्यू है उसको आप एस एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एस वाई के साथ नहीं, और जो y होता है ओरिजिनल उसे आप एस वाई के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एस एक्स के साथ नहीं। तो अगर यही बिहेवियर आपको चाहिए, सो दिस बिहेवियर कैन बी अकम्प्लिश्ड बाई यूजिंग दीज मैट्रिक्स। सही बात है, मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो ये a और s के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, सही बात है, मल्टीप्लीकेशन करना है एज पर दिस फंडा, करके देखो, जस्ट डू इट। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन जाएंगे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे अपन जाएंगे इस डायरेक्शन में, इन दोनों मैट्रिक्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं। तो भैया ये जो रिस्पेक्टिव आप देख रहे हो मैट्रिक्स, इट इज़ नथिंग बट 1x2, और ये जो है ये 2x2 है, सही बात है। तो आपका जो रिजल्टेंट निकलने वाला है वो क्या होगा, 1x2, वो क्या होगा, 1x2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अब जैसे मैंने बताया इस डायरेक्शन में और ये वर्टिकल, दैट इज x इंटू एस एक्स, एक्स इंटू एस एक्स प्लस यहाँ पे y इंटू 0 इज 0, सही बात है। उसके बाद अपन जाते हैं x इंटू 0 अगले वाले पे, x इंटू 0 कितना होता है भाई, 0 होता है, प्लस y इंटू एस वाई, इट इज y इंटू एस वाई। तो अब ये 0 का तो वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसको हटा देते हैं, 0 अगर ऐड भी कर लो तो वो नंबर वही रहता है, सही बात है। तो अपने को रिजल्टेंट मिल गया ये, जो कि एक 1x2 यहाँ पे मैट्रिक्स मुझे मिल चुका है, मतलब एक रो और दो कॉलम। अब अगर गौर से आप इस रिजल्ट को देखोगे, दिस इज नथिंग बट एक्स डैश एंड दिस इज नथिंग बट वाई डैश दैट वी वॉन्टेड, और वही चीज़ अपन ने यहाँ पे दिखाई है कि एक्स डैश क्या होता है, एक्स इंटू एस एक्स जो अपने को यहाँ मिला, और वाई डैश क्या होता है, वाई इंटू एस वाई, और ये x डैश और y डैश क्या है, ये आपके रिस्पेक्टिवली a डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। पूरा मामला क्लियर हो गया, पूरा मामला समझ में आ गया कि ये हमने इस तरीके से मैट्रिक्स 2x2 क्यों लिखी, क्योंकि भैया अपने को ये चाहिए था, वी वॉन्टेड दिस x डैश एंड y डैश। अगर ये अपने को चाहिए तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इस तरीके से रिजल्टेंट मिलना चाहिए, रिजल्टेंट मिलने के बाद x डैश y डैश मिल जाएगा, जिससे अपना a डैश अपने को मिल जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सेम परफॉर्म आपको करना है b डैश पे और C डैश पे अगर आपको फाइंड करना है। इसके ऊपर एक डिटेल न्यूमेरिकल जो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो भाई इसको लाइक कर दो, उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।